अच्छा जी, ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो मेरी पेंडिंग थी, और जब मैं इस्लामाबाद गई थी तो तब मैंने ये शूट की थी, लेकिन आपको पता है फिर वो ईद आ गई थी और फिर उसमें बस मसरूफ़ हो गए थे सारे ही। तो ये वीडियो मेरी पेंडिंग थी और इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और जी, ये हम लोग आए हुए हैं इस्लामाबाद सेंटोरस पे, और ये मेरे साथ बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल्स खड़ी हुई हैं, और सेंटर में जो नज़र आ रही है जी वो मैं हूँ, और मुझे तो आप जानते ही जानते हैं, मैं हूँ जी आपकी हलीमा। और जी यहाँ पर बस मैंने कैमरा पकड़ लिया था, और इतनी गर्मी थी ना, और अदरवाइज़ अगर आप सेंटोरस पे जाते हैं ना तो इतनी गैदरिंग नहीं होती, लेकिन जिस दिन हम गए थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। और जी ये है हमारा बहुत ही क्यूट एंड स्वीट सा बेबी, और जिस दिन हम गए थे वहाँ पे मैंगो डे था, और हमारा बेबी भी जो ना मैंगो मैंगो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे येलो येलो हुआ हुआ था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। और जी यहाँ पे बस शूट्स चल रहे हैं, आपको पता है कि जब कब कहीं बाहर चले जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ जी हर बंदा छोटे से ले के बड़ा जो है ना मतलब शूट में मसरूफ़ हो जाता है। जी इसकी तरफ से भी हाय हेलो बाय बाय, और ये बहुत क्यूट बच्चियाँ गई हुई थी मेरे साथ। और जी उसके बाद जी मुझे देख लें, बस मैं घूम रही हूँ और मेरा दिल था कि यहाँ से मैं कुछ ले लूँ, और बस जी फिर इतना टाइम नहीं था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर आप इतने खूबसूरत पैरट देखें और ये बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैंने जब इन्हें देखा मैंने कहा यार मैंने इनको पकड़ना ज़रूर है। और ये देख लें कि मैंने इसको अपनी बाजू के ऊपर जो ना मैंने बिठा दिया है, और यार ये रेड वाला कोई इतना शरीफ था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये तो देख भी नहीं था रहा, और मैं इसके साथ पंगे कर रही थी लेकिन ये बड़ा शरीफ था, जहाँ पर इसको वो भाई ने बिठाया था बस वहीं पर वो बैठा रहा है। लेकिन जिसके बाद मैं आपको एक और भी दिखाती हूँ, बस उसके आने की देर हुई थी, और कोई इतना कोई ठरकी किस्म का वो पैरट था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ भाई, भाई जिन्होंने तीनों जिथे बिठाया है उत्थे ही बैठा रहा है, नहीं जी वो ऊपर ऊपर जा रहा था, और उसके नेल्स मुझे इतने चुभ रहे थे, मतलब लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊँ ये देखें। और मुझे ये था कि यार कहीं मेरे फेस के ऊपर कुछ ना कर दे, और मुझे इससे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। तो बस मैंने इसको थोड़ी देर ही अपनी बाजू के ऊपर मैंने कहा पाई तो थोड़ी देर ही बस बह, और उसके बाद जो है ना मैंने इनको बोला कि बस पकड़ लें इसको जी पकड़ लें, ये ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं बैठ सकता बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये देखिए कितने मज़े मज़े से ले रहा है ना पंगे, आपको भी नज़र आ रहा है। अच्छा जी उसके बाद जी हम आ गए थे लास्ट वाले मतलब फ्लोर पे, और यहाँ पे जी हमने खाने के लिए कुछ किया था ऑर्डर, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी घूम के, और साथ में मैंने हील्स पहनी हुई थी, और बस ना पूछें क्या हाल था। और यहाँ पर जी हमने जो ऑर्डर किया था वो हमारा आ चुका है, और यहाँ पे फुल पंगे चल रहे हैं, फुल पंगे चल रहे हैं, कोई उधर को खींच रहा है कोई इधर को खींच रहा है, बस ऐसे ही। और यहाँ पे जी एक बंदी है उसको इतनी भूख लगी हुई है ना, और वो आपको मैं ये देखें फ्राइज़ दिखा रही है कि जी इसमें फ्राइज़ हैं, और बस इसको ये था कि बस फटाफट से अब खाएँ, लेकिन यह है कि मेरे और मेरे कज़न के वो जो सामने बैठा हुआ उसके पंगे नहीं थे ख़त्म हो रहे, और बहुत ही टेस्टी थे फ्राइज़ भी, और हमने साथ में पीस किए थे वो भी बहुत मज़े के थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे, अदरवाइज़ जब आप कटते हैं ना तो वो इतने सॉफ्ट नहीं होते ना। और बस खाने के बाद जो है ना हम वहाँ से निकल आए थे, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, फिर बस जल्दी जल्दी से खाया और हम लोग वहाँ से निकल आए। और मैंने आपको यही कहना है कि आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आप बिल्कुल भी ना जाएँ, और लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना। और जी ये वो लोग हैं, पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं यार, जो कैमरा देख कर डर जाते हैं, और बस यहाँ पे मैंने इसकी तरफ कैमरा किया हुआ था, मजाल है कि ये बंदा इधर वाली साइड पे देख ले, बिल्कुल भी नहीं जी नज़र लग जानी थी ना इस बंदे को। तो जी चलें यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, सो नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Shaking my jig, shaking my jig, baby, baby.